हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है। यहाँ फूड चेन की सीक्वेंस दी गई है जिसे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, सेकेंड ऑप्शन है उपभोक्ता अपघटक उत्पादक, थर्ड ऑप्शन उत्पादक उपभोक्ता अपघटक एंड लास्ट ऑप्शन उत्पादक अपघटक उपभोक्ता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वही केवल सही है। यहाँ हम फिगर में भी देख सकते हैं कि पहले प्रोड्यूसर आता है जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जो कि प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टेरिटरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर को फाइनल कंज्यूमर, और फाइनली जितने भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ होती हैं इनके अपघटन करने के लिए डिकम्पोजर जो होता है, जीवाणु और कवक आदि ये सब होते हैं जो कि पदार्थों का रासायनिक विघटन करते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है बायोडिग्रेडेशन कही जाती है। और इस प्रक्रिया में जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक या गौण उत्पादक किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहा जाता है जंतुओं को, क्योंकि जो जंतु होते हैं वो किसी न किसी अदर लेवल के कंज्यूमर के लिए एक तरह से प्रोड्यूसर ही हो सकते हैं या होते ही हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। यहाँ हम फिगर में भी देख सकते हैं कि जो फाइनल कंज्यूमर से पहले के जितने भी कंज्यूमर हैं सब एक किसी न किसी के लिए कंज्यूम करने का सोर्स होते हैं, तो वो प्रोड्यूसर कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या एक विशिष्ट समय में लगभग स्थिर रहती है, यह स्थिरता अनुरक्षित रहती है। किसी भी इकोसिस्टम में एक जो जाति होती है उनके सदस्यों की संख्या जो होती है निश्चित रहती है। इसका रीजन है प्राप्त भोजन द्वारा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते और इस कारण उनकी डेथ हो जाती है, और इस तरह जो नंबर वो नियत रहती है एक निश्चित समय में। तो हमारा आंसर होगा प्राप्त भोजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के अंतर्गत कौन से जीवों को रखा जाता है। तो ये जीव होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। ऑप्शन बी जो है सही है, जीवाणु और कवक। और जो जीवाणु और कवक होते हैं पदार्थों के रासायनिक विघटन में काम आते हैं, और ये इस प्रक्रिया को बायोडिग्रेडेशन कहा जाता है। और हम बता चुके हैं कि इसमें मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। पादप प्लवक होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्लवक अर्थात जो तैरते हैं, तो ये पादप प्लवक वो होते हैं कि समुद्र में तैरते हैं और एक कोशिकीय पौधे होते हैं। ये पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक किसे कहा जाता है। तो पादप प्लवक समुद्र में रहने वाले एक कोशिकीय पौधे होते हैं जो कि समुद्र की लहरों के साथ साथ तैरते रहते हैं और सोलर एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिससे कि समुद्र में जीवन संभव हो पाता है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है कि ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इकोसिस्टम में कम्युनिटी के अंतर्गत किसे रखा जाता है। तो कम्युनिटी के अंतर्गत एक विशेष आवास में रहने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार की जातियों के वैरायटी के होते हैं, तो उन सभी को कम्युनिटी के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे दो या दो से अधिक जाति के जीवधारी आते हैं जो कि एक विशेष परिवेश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम क्या है। इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो का सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में सोलर एनर्जी से
टेम्परेचर, टेम्परेचर से फिर केमिकल एनर्जी में फ्लो होता ही ऊर्जा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, प्रकाश ताप देन केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। तो फूड चेन में सभी लेवल पर जो संचित ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो जीवधारी होते हैं अपने शरीर भार में रूपांतरित करते हैं या बॉडी वेट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 10%। केवल 10% ही एक्युमुलेटेड एनर्जी का अपने बॉडी वेट में चेंज कर पाते हैं फूड चेन में सभी जीवधारी। हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में एनर्जी ही फ्लो होती है, इसलिए एनर्जी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऊर्जा की, एनर्जी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जल्दीबाजी में लोग गलत कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है ईवीएस का संक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो कक्षा 5 के जो छोटे बच्चे हैं विद्यार्थी, उनको पोषण पर आधारित चीज़ों को बताने के या न्यूट्रिशन पर आधारित चीज़ों को बताने के लिए उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो टिफ़िन बॉक्स में क्या क्या फैट है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, इस प्रकार हम बच्चों को अगर समझाएंगे तो वो उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, न्यूट्रिशन के लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग, सर्वे एंड राइटिंग पे जो चैप्टर दिया गया है कक्षा 5 की कक्षा पाठ्यपुस्तक में, तो ये इसलिए दिया गया है कि बच्चों को सर्च करने और सीखने में सहायता हो, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो यह ऑप्शन जो है बी हमारा सही है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें एक बच्चा अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में बता रहा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पे बनाया जाता है। तो ये बात है असम की, यहाँ पे 200 सेमी वर्षा होती है और ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे बांस के पोल्स पे या बाम्बू पोल्स पे घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम फिगर में भी देख सकते हैं किस प्रकार के होते हैं यहाँ घर। तो ये हम देख रहे हैं फिगर में कि बाम्बू पोल्स पे लकड़ी का घर बनाया गया है, तो ये दृश्य है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में बराबर रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा के में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो रूपात्मक आकलन मतलब मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट का कार्य बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, ये भी सही है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, ये भी हो सकता है रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य। और डी जो है वो भी समुचित कार्य है रूपात्मक आकलन का, लेकिन जो सी है वो ही निरर्थक है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो ये मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट का एम नहीं है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो
ब्रेल लिपि जो होती है, पहले हमें जान लेना चाहिए कि ये क्या होती है। ब्रेल लिपि जो होती है अंधे या दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है, जो कि उभरे हुए बिंदुओं को टच करके इस लिपि को पढ़ते हैं। तो इस लिपि का आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने 1824 में। यह लेफ्ट से राइट में थी है। और रोचक बात है दोस्तों कि बचपन के एक एक्सीडेंट पे लुईस ब्रेल ने अपनी आईज को खो दी थी और 15 वर्ष की आयु में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए इस लिपि को विकसित कर दिया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है बी, 6 बिंदुओं पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेल लिपि किस प्रकार की होती है, उभरे हुए बिंदुओं की लिपि है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्राइमरी लेवल पे ईवीएस के शिक्षण का पर्पज क्या नहीं है। तो यहाँ पे होगा शिक्षक कक्षा कक्षा से जुड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो ये मेन एम नहीं माना जा सकता ईवीएस का, क्योंकि ये तो क्लास रूम का ही मेन एम है कि बच्चों को अनुशासित रखा जाए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ये मरीज पीड़ित है आयरन की कमी से, क्योंकि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला खाने के लिए कहा जाता है। हमारा आंसर होगा अनीमिया। अनीमिया में ही आयरन की कमी होती है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। तो खाना पकाने का तरीका होता है सेक कर, तल कर या भून कर। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी हैं? तो ये पक्षी हैं दोस्तों चील, बाज और गिद्ध। इनकी आईज जो होती है हमारी तुलना में बहुत ही शार्प होती है। ये 4 से 8 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्यों की तुलना में। और कहा जाता है कि 3 किलोमीटर दूर से ही ये खरगोश को स्पॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी अपडेट्स को आप पा सकें। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।